मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मित्र चैप्टर 12 एक नई शुरुआत सीखेंगे। जाकिर अली, उनका उपनाम है रजनीश, तो जन्म सन 1975 इकाई। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित किया है। तो इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनी पिंग समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सजना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो एक नई शुरुआत, तो पाठ में प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव था। मित्र, यहाँ एक नई शुरुआत पाठ में एक सर्वथा नवीन काल्पनिक वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित रचना है। तो विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित दो वैज्ञानिकों, एक माधवन और एक प्रोफेसर रामेश। माधवन जो प्रोफेसर रामेश का सहायक है, तो दो वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और उसमें संबंधित प्रयोगों का यहाँ रोमांचक ढंग से विस्मयकारी वर्णन किया गया है। तो मित्र, यहाँ दो शक्तिशाली कंप्यूटर तो और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा, मित्रों यहाँ शब्द है मानव प्रक्षेपण, तो प्रक्षेपण यंत्र यानी फेंकने वाला यंत्र, और परीक्षण यानी परखने या जांच करने का काम। तो दो अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्यों विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र दो खंडों में विभक्त था। मित्र, दो खंडों में ये मानव प्रक्षेपण यंत्र विभक्त था। उसका एक खंड प्रोफेसर रामेश की प्रयोगशाला में और दूसरा खंड वहाँ से 500 मीटर दूर माधवन के घर में स्थापित किया गया था। तो मित्र, प्रोफेसर रामेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा यानी चमक दे रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दे दिया। अब मित्र, प्रोफेसर रामेश का शरीर तत्वों में विभक्त होता है, तो देखते हैं कि कंप्यूटर को प्रोसेस क्या मिल जाता है। रेडी सिग्नल मिल जाता है। प्रोफेसर रामेश ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिले के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए। तो कंप्यूटर चालू हो गए। अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गए। तो यहाँ बताते हैं, अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर यह दृश्य देखता है। तो यहाँ मित्र, माधवन के दिमाग में कौंधती बातें, तो ये जो बता रहे हैं, हाँ मित्र, नई शुरुआत। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुआ था। मैंने कहा ना, माधवन के दिमाग में कौंधती बातें। तो प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। तो विभक्त यानी अलग।
तो बस अब कुछ ही क्षणों की बात, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल यानी दो बिंदुओं के बीच का स्थान या अंतर, उसका अंतराल, उनको अंतराल कहा जाता है। यानी अंतराल का अर्थ है दो बिंदुओं के बीच का स्थान या अंतर। तो बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौंद गई जब वह प्रोफेसर रामी से पहली बार मिला था। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामी के जिगरी दोस्त आनंद, अब माधव का यहाँ आश्चर्य बताते हैं, तो आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनके लैब में पहुंचा। यहाँ मित्र बताते हैं कि माधवन स्क्रीन पर प्रोफेसर रामी के शरीर को मूल तत्वों में विभाजित होते और उस प्रक्रिया होते देख रहा था, और उसके मस्तिष्क में प्रोफेसर रामी द्वारा मानव प्रक्षेपण के बारे में बताए हुए बातें कौंद रही थी। जब पहले पहल प्रोफेसर रामी ने माधवन को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मानव प्रक्षेपण यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताया था, तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो यहाँ जो बताते हैं और विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा यहाँ समझाते हैं, तो प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा। वो माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। तो माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो प्रोफेसर रामिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति यानी किसी कार्य के लिए अपनी मंजूरी देना, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांक कर उसे परख लेना उचित समझा था। तो एक लंबी सांस लेते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। मैंने पहले ही बताया कि मानव प्रक्षेपण यंत्र ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो प्रोफेसर रामेश ने माधवन को बताया। तो आश्चर्य से वो आश्चर्य में पड़ गया। कौन? माधवन। किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है और फिर उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में उसे पाया जा सकता है। देखो यहाँ हम पढ़ सकते हैं, प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। तो आखिर जब उससे रहा न गया तो वह कुछ ही बैठा, सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है? जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है और फिर उन तत्वों में जोड़कर उसके मूल रूप में उसे पाया जा सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है? प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा। वे बोले, क्यों नहीं, भेजा जा सकता है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए रुके। तो यहाँ प्रोफेसर रामिस ने उसे बताया कि फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान पर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ बताते हैं कि माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वह रुके नहीं, उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ी। अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं कक्षा में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है।
उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण। तो यहाँ मित्र ये दोनों बातचीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। तो यहाँ पूरे पाठ में हम देखते हैं कि यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम उस वस्तु के अणुओं परमाणुओं का अध्ययन करें। तो प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कल्पपुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। तो यहाँ मित्र माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामिस की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था, वो समझा रहे थे, बता रहे थे, अपने साथ बातचीत में उसको ले रहे थे साथ और सुना बताते। तो यह तो रही बनावट की बात। अब आती है तो किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक यानी यंत्र संबंधी, हाँ यांत्रिक यानी यंत्र संबंधी, तो आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यूरेनियम थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर क्या होता है, प्राप्त की जाती है। तो इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में भी विभक्त किया जा सकता है, तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व के दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो यह तो है, माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया है। तो रामेश अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है। तो मित्र ये पूरे पैराग्राफ में वो बताते हैं कि दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रमसाध्य होती है। तो प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था, सम्मोहन यानी मोहित करने या लुभाने की क्रिया, तो एक क्षण क्षण यानी पल के लिए वह कुछ सोच ही न पाए। और प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त कर अथवा शंका, लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल पहुंचा यानी खड़ा हुआ और वह बोले बिना न रह सका, सर माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो यहाँ माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ी। मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो मित्र यहाँ वो दोनों बातचीत भी करते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं, यानी हंसते हैं। तो जिस प्रकार फिल्म की बात यहाँ बताई है कि फिल्म में एक खास प्रकार की जो तरंगे होती हैं प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान पर प्राप्त कर लिया जाता है, यानी टीवी सेट की बात करते हैं ये पैराग्राफ में, तो उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसके मूल तत्वों में विभक्त करके उन तत्वों के एक विशेष प्रकार की तरंगे में प्रवर्तित हो जाए, तो वे वहाँ इन तरंगों को ग्रहण कर उन्हें वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लेते हैं। अभी तो ये एक नई शुरुआत, तो नई शुरुआत में यहाँ नवीन काल्पनिक वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित है। तो
अचानक क्या होता है मित्र, तंद्रा भंग हो जाती है। तंद्रा यानी उम्र। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स में उठने वाला धुआं। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंग में प्रवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा। लेकिन अचानक यह दुर्घटना, माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उसे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। तो मित्र, ये पूरे पाठ में एक नई शुरुआत। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। तो मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह वहाँ हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। तो यहाँ बताते हैं कि तभी माधवन की तंद्रा भंग होती है। मानव प्रक्षेपण यंत्र से उठता हुआ धुआं देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है और रामेश का शरीर तरंगों में प्रवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर जा रहा है तथा कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने से प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में प्रवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे वाले नाले की ओर और यहाँ माधवन प्रयास करता है। ये पूरे पैराग्राफ में माधवन का प्रयास। तभी माधवन प्रक्षेपण यंत्र का स्विच निकालकर उसे बिजली के स्विच से जोड़ देता है। मानव प्रक्षेपण यंत्र कार्यरत हो जाता है और माधवन ने पाया कि प्रोफेसर का शरीर नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही तरंगे रिसीवर की ओर घूम जाती है। कुछ अन्य स्विच चालू करने से रिसीवर चैम्बर में हलचल होती है। तो ये पैराग्राफ में हमें ये बताया है। प्रोफेसर रामिस बाहर आ जाते हैं पर कुछ ही क्षणों में वे अचेत हो जाते हैं। डॉक्टर के इलाज से उन्हें होश आता है। तो यहाँ वो बताते हैं, देखो अब प्रोफेसर रामिस का कथन क्या है। तो चंद क्षणों में अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर ली। तो अचित शरीर माधवन की बाहों में, यानी अभी ये मशीन शुरू कर। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा। मैंने आगे ही बताया कि डॉक्टर के इलाज से उन्हें होश आया। तो प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग बधाई हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक नई शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी तो हमारे सामने कंप्यूटर है, अभी तो हम कंप्यूटर में सारा काम कर सकते हैं। तो ये मानव प्रक्षेपण यंत्र, फेंकने वाला यंत्र, तो परखने या जांच करने का काम, परीक्षण, विश्लेषण, वास्तविक रूप के स्पष्टीकरण के लिए सब अंगों की छानबीन। तो यहाँ जो नई शुरुआत है
उसमें वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित। तो यहाँ जो बात बताई है मित्र, पहले पाठ पढ़ना, फिर ये वीडियो सुनना, और फिर मैं जो PDF भेजूँगी उसमें से क्वेश्चन आंसर लिखना, तो आपको ये जो पाठ समझ में आएगा बराबर। तो एक नई शुरुआत में हम देखते हैं कि दो वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और उससे संबंधित प्रयोगों का रोमांचक ढंग से विस्मयकारी वर्णन किया है। मित्र, मेरी आशा है कि आप ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद मित्र।